ग्रामीण दौरों के मद्देनजर आज किन्नर हवेली पर किरण बाई जी का आशीर्वाद लेने कांग्रेस प्रत्याशी पारसमल जैन पहुंचे हैं और उनसे वार्तालाप करते हैं और विभिन्न मुद्दों पर बातचीत भी करते हैं। मैं सीधा आम जनता के नाते एक जो सवाल उठता है वो ये उठता है कि पिछली बार जो जीत का अंतर था वो वाकई में बहुत कम था, ऐसे में फिर से फतेह हासिल करने के लिए आप उतरे हैं, क्या लगता है इस बार? मैं नहीं उतरा हूँ, पिछली जो हार जो जो मार्जिन जो कम था उसको देखते हुए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने मुझे पुनः दूसरी बार टिकट दिया और जनता के बीच में भेजा है कि जनता के बीच में जाकर आशीर्वाद ले। और आज इसी प्रोग्राम के तहत ग्राम ढोसला में किरण भाई जी की हवेली के ऊपर मैं इनका सबका आशीर्वाद लेने आया हूँ और मुझे इनका सदैव आशीर्वाद रहा है। जब भी मेरे घर में कोई मांगलिक कार्यक्रम हुआ है तो इनका आशीर्वाद हमेशा कर रहा है मेरे को और आज भी मुझे पूरा आशीर्वाद मिला है। इनका आशीर्वाद मिल गया, जनता का आशीर्वाद आपको लगातार मिल रहा है, अभी तक आप जो ग्रामीण दौरे कर रहे हैं वहाँ की स्थिति को देखकर क्या लगता है? इनके पास आने से पहले मैं रास्ते में जो पाँव पड़ रहे थे वहाँ पर सबका मैं जनता का आशीर्वाद लेता हुआ आया हूँ और जनता में बहुत उत्साह है। और सबसे बड़ी बात, जनता चाहती है परिवर्तन, इस बार परिवर्तन करके रहेगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं? पिछले 5 साल में जो कांग्रेस ने काम कराए हैं, अनेक योजनाएं कांग्रेस ने दी है, फूड पैकेट दिए हैं, 25 लाख का बीमा दिया है और भी कई काम दिए हैं, फ्री में दवाएं गरीब तबके को दवाएं उपलब्ध हो रही है। और आने वाले समय में जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो 7 गारंटी माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी है कि कांग्रेस की सरकार बनते ही ये जो 7 बातें जो कही है ये खाली बातें नहीं है, ये खाली वादा नहीं है, ये गारंटी है। कांग्रेस की सरकार बनते ही प्रत्येक महिला मुखिया के खाते में 10,000 रुपये आएंगे, प्रत्येक उस बच्चे को जो कॉलेज में एडमिशन लेगा प्रथम वर्ष में उसको लैपटॉप मिलेगा, घर में आने वाला गैस का सिलेंडर 500 रुपये में मिलेगा, जो सरकारी कर्मचारी है उनके OPS की गारंटी दी, आपके मुख्यमंत्री जी ने गारंटी दी है कि OPS लागू होगी, अनेक योजनाएँ इसके अलावा भी दी है। और जो राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री जी ने कांग्रेस ने सरकार ने जो विकास के काम कराए हैं, चाहे वो शहरी मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना हो, चाहे ग्रामीण विकास योजना हो, जो सड़कें बनी है उनके आधार पर, और उससे भी बड़ी आगे जाकर कि जो पिछले 5 सालों में जो 10 नई ग्राम पंचायतें बनाई है उनके आधार पर मैं वोट मांग रहा हूँ। बात करें ब्यावर की तो जल और जिला दोनों कांग्रेस ने दिया, लेकिन यहाँ पर पिछले 20 सालों से भाजपा का राज है, 2003 से कांग्रेस वापस रिपीट नहीं हुई है, ऐसे में इस बार क्या लगता है कि क्योंकि जल और जिला है उसका फायदा आपको मिलेगा? निश्चित तौर पर विकास का नाम ही कांग्रेस है, कांग्रेस का नाम ही विकास है, और कांग्रेस ने जल और जिला तो दिया ही है, इसके अलावा भी बहुत से विकास किए हैं, कई सड़कें बनवाई है, कई जगह विकास किए हैं। आज नरेगा के अंदर 100 की जगह 125 दिन कांग्रेस शासन में हुए हैं, ऐसे कई बातें हैं। लेकिन जनता क्या है कि जातिवाद के आधार पर पानी उसमें बाव में बह जाती है और यही एक कारण रहा है कि 2003 से लेकर अब तक यहाँ पे नहीं हुआ। लेकिन 2018 में जो जीत का अंतर जो था वो इतना कम था कि इस बार वो जीत होकर जीत में बदल कर रहेगी। कहते हैं कि पारस वो चीज़ है जो पत्थर को भी छुए तो सोना बनाते, क्या ये पारस ब्यावर को अपना स्वर्णकाल युग दिखा सकता है? अगर इस बार मुझे मौका मिला और ब्यावर की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया, आने वाले 5 साल तक मैं इस ब्यावर के विकास में 4 चांद लगाऊंगा, ब्यावर में UIT खुलवाऊंगा, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर सिरेमिक अब की मेरी मांग है जिसको मैं पूरा कराऊंगा, और भी कई बातें हैं जिनको मैं पूरा कराने की कोशिश करूंगा। और उन सबसे बढ़कर इन सबसे आगे जाकर जो विधायक कोष का जो पैसा है इसके अलावा सरकार से करोड़ों रुपये लाकर मैं यहाँ विकास कराऊंगा। और माननीय मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करना चाहूँगा, जो 1957 से जो जिले की मांग चल रही थी उन्होंने ब्यावर को जिला बनाकर ब्यावर की जनता को एक बहुत बड़ा तोहफा दिया। कांग्रेस की ये बात करूँ मैं ब्यावर की दोनों चीज़ों के मध्य में, अगर बगावती तिवरों की बात करूँ तो आप भी जानते हैं कि कांग्रेस में फिलहाल एकजुटता नज़र तो आ रही है, लेकिन क्या ये भीतरघात तो नहीं कहीं? चुनाव लड़ने का हक सबको है, लेकिन जो टीम हमारे साथ लगी हुई है उसमें कई भीतरघात नहीं, और जो लोग निर्दलीय के साथ लगे हुए हैं वो खुलेआम उनके साथ लगे हुए हैं और उनको पार्टी से भी निकाल दिया गया है, इसलिए कांग्रेस का कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के साथ ही लगा हुआ है। मैं बात करूं अगर जो आप ये बात बता रहे हैं, कहा जाता है कि पायलट गुट और गहलोत गुट जो बातें की जाती है किस तरह की बिथाएँ उठ रही है, ये भ्रम आप कैसे दूर करें? राजस्थान में वर्तमान में कोई गुट नहीं है, आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब, आदरणीय सचिन जी पायलट साहब, आदरणीय गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब और सब मिलकर, सब साथ मिलकर चल रहे हैं
और सबका उद्देश्य है कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बने। वर्तमान में कोई गुटबाजी नहीं है, ऐसा ही निर्देश हमारा आलाकमान द्वारा है और सब उसकी पालना कर रहे हैं। फिर अंतिम सवाल है सिर्फ सीधा, ब्यावर विधानसभा की पूरी जनता के नाम एक संदेश। मैं ब्यावर विधानसभा की जनता को, तमाम जनता को यह संदेश देना चाहता हूँ कि 25 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा मतों से मेरे को यहाँ से जीता कर भेजें। मैं पूरी ईमानदारी से 5 साल तक ब्यावर की जनता की सेवा करूँगा। ब्यावर विधानसभा क्षेत्र की जनता परिवर्तन चाहती है और इस बार अगर परिवर्तन हुआ तो विधायक के क्या कर्तव्य होते हैं, क्या दायित्व होते हैं, ये मैं जीतने के बाद बताऊँगा।